बिहार के पूर्वी चंपारण जिला में जिस तरीके की घटना सामने आई है, ढाका प्रखंड के अंतर्गत जो एक चैनपुर कुंडवा गांव में एक 12 साल की बच्ची के साथ जो गैंग रेप हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, एक निर्मम हत्या हुई है उसकी, और उसके बाद प्रशासन के संलिप्तता से उस लाश को जला दिया गया, ठिकाने लगा दिया गया और एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लोग कह रहे हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। अगर बिहार में बहार है और नीतीश कुमार की सरकार है और सुशासन की सरकार है, तो ये कुशासन क्यों? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री से कि आखिर अगर बाहर है तो बिहार की बहन बेटियां बाहर जाने में इतना डरती क्यों हैं? आखिर सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा क्यों हो चुका है हमारे समाज में? सुरक्षा का मुद्दा, बहन बेटियों से जुड़ा हुआ सुरक्षा का मुद्दा इतना भयानक रूप क्यों ले चुका है कि आज हम सभी को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? आज भी जब हम अपनी दिनचर्या के काम करने के लिए बाहर जाते हैं तो इस डर से जाते हैं कि पता नहीं सुरक्षित वापस घर लौटकर आएंगे भी या नहीं। परिजनों को भी उतनी ही तकलीफ होती है, उतनी ही परेशानी और उतना ही डर का सामना करना पड़ता है। ये कब समझेंगे आप? ये मोतिहारी के कुंडपा चैनपुर में नेपाल का रहने वाला व्यक्ति जो नाइट गार्ड का काम करता था, उसकी बच्ची के साथ गैंग रेप कर, नाबालिग बच्ची के साथ गैंग रेप कर जला दिया गया परसा रोड में, और उसको मिट्टी तेल और चीनी से जलाकर साक्ष्य को मिटाने का प्रयास किया। ये जदयू के लोग कानून का राज कहते कहते थकते नहीं हैं, लेकिन कहाँ कानून का राज है? सारा लॉ एंड ऑर्डर फेल है। कहीं बलात्कार, हत्या, मर्डर, लूट, डकैती, अपहरण का मामला लगातार चलता आ रहा है, और लोग कहते कानून का राज, कुछ भी कानून का राज नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करें और दोषी पुलिस पदाधिकारी को सस्पेंड डिस्चार्ज करने का काम। ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, यहाँ पर कोई कानून का राज नहीं, प्रशासन बिल्कुल विफल हो चुकी है।